दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो सीआरपीएफ में एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई है अभी 2023 वाली, उसके बारे में बात करेंगे। तो सीआरपीएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए वैकेंसी आई है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने जा रही है। इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि कुल कितने पद हैं, आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या 12th में जो पढ़ रहे हैं अभी वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितने पद हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी आवेदन शुल्क कितनी लगेगी, इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या है, यानी किस किस प्रोसेस से होकर आपका चयन होगा, इसके बाद सीबीटी यानी कि एग्ज़ाम जो आपका होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, स्किल टेस्ट आपका कैसा होगा, इसके अलावा पीएचटी फिजिकल में आपका क्या क्या होगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, यानी कि कंप्लीट जानकारी जो इस वैकेंसी के बारे में है आपको मिलने जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैकेंसी है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है, ठीक है। कुल पद हैं अगर बात करें हम तो 1458 पद, यानी कि 1458 पदों पर वैकेंसी है। तो वैकेंसी अच्छी है, ठीक ठाक वैकेंसी है, अगर आप पढ़ लेते हैं ठीक से तो आप इसमें से एक पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आवेदन कब से कब तक आप कर सकते हैं, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप सीआरपीएफ में जॉब पाना चाहते हैं तो आप जो है 4 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं, 4 जनवरी से 25 जनवरी तक, ठीक है। बात करें अगर हम उम्र सीमा की, यानी कि एज लिमिट क्या रहेगी इसमें, तो अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर और ईडब्ल्यूएस की, तो 18 साल से 25 साल के बीच में आप होने चाहिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, तो ओबीसी वालों की हो जाएगी अपर लिमिट 28 और एसटी एससी वालों की 30 साल तक, यानी 18 साल से 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ, तो देखिए अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1998 के बाद हुआ है, 26 जनवरी 1998 के बाद और 25 जनवरी 2005 के पहले हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक। ओबीसी वाले इसमें 3 साल जोड़ लेंगे अपर में और एसटी एससी वाले 5 साल जोड़ लेंगे, ठीक ना। अब बात करें शैक्षणिक योग्यता की कि आप क्या आपके पास योग्यता हो कि आप फॉर्म को भर सकें, तो अगर आप 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आपने कॉमर्स लिया है, चाहे साइंस लिया है, चाहे आर्ट लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल 12वीं पास मांगा गया है। अगर आप 12वीं में पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या अपियरिंग वाले यानी जो 12वीं अभी पढ़ रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो अगर आप 12वीं पास कर लेते हैं कब, 25 जनवरी 2023 को, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट 12वीं का 25 जनवरी 2023 के पहले आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है 12वीं का कि आपका रिजल्ट 25 जनवरी के पहले आ जाए, तो इसीलिए 12वीं में जो पढ़ रहे हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि इनका रिजल्ट 25 जनवरी 2023 के पहले नहीं आ सकता। अगर आपको लगता है कि आपका आ जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बात करें हम पदनाम की, तो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आपका स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 1315 पद हैं और एएसआई में 143 पद हैं, ठीक है। अब हेड कांस्टेबल में सैलरी मिलेगी वो आपकी 38,000 से ज़्यादा ही मिलेगी, 38 से 40,000 मान लीजिए, ठीक। और एएसआई में आपको लगभग लगभग 45,000 के आसपास सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करें आवेदन शुल्क की, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप
एससी एसटी पीएच कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहाँ पर माफ़ रखी गई है, यानी कि आपको एक भी रुपए पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, यानी कि किस किस प्रोसेस से होकर आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो पहले आपका होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, इसके बाद होगा आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर होगा आपका मेडिकल, और यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सीबीटी के बारे में, तो सीबीटी जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपके चार सेक्शन रहेंगे, सेक्शन में एक आप हिंदी या फिर इंग्लिश ले सकते हैं, आपके ऊपर है ये, चाहे आप हिंदी ले लें चाहे आप इंग्लिश ले लें, किसी एक का चयन करना है तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए एक अच्छी बात ये है कि आप उसमें हिंदी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, इसके बाद मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी और जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, तो हिंदी या फिर इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड। बात करें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो हिंदी या फिर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जनरल एप्टीट्यूड में इसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स का आपका रहेगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी कि अगर आप चार क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। अब बात करें हम स्किल टेस्ट के बारे में, तो ASI स्टेनोग्राफर के लिए अलग स्किल टेस्ट होगा और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अलग स्किल टेस्ट होगा। तो हम बात करें ASI के लिए, तो आपका जो है 10 मिनट आपका स्किल टेस्ट होने जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 10 मिनट स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपसे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है वो 50 मिनट है इंग्लिश में और 65 मिनट है हिंदी में। अब बात करें अगर हेड कांस्टेबल की, तो आपसे टाइपिंग मांगी गई है हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट या फिर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट कि आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए टाइपिंग की, तो आप जो है इसको स्किल टेस्ट को आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है, अब बात करें PST की, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर आपकी दौड़ नहीं होगी, किसी भी प्रकार से आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर केवल माप जोक ही होगा PST में, यानी कि आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह नापेंगे, हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें इसमें, तो मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, तो आपका हो जाएगा 82 सेंटीमीटर। ये सभी के लिए है मेल कैंडिडेट में, लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ के लिए यहाँ पर छूट रखी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके लिए लगाया गया है कि इन इन क्षेत्रों में आपकी हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर है, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर है और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन तो 82 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों को छूट मिली है कि जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो अगर आप इन क्षेत्र से हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर मांगी गई है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर छूट मिली है फीमेल में, और आपको जो है चेस्ट वगैरह का यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो ये कंप्लीट जानकारी थी इस वैकेंसी के बारे में, तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।